जेम्स प्रिंसेप 1799 में इंग्लैंड में जन्मे जेम्स प्रिंसेप लियोनार्डो दा विंची की भांति ही प्रतिभाशाली थे। प्रिंसेप ने मात्र 15 वर्ष की अल्पायु में 6 इंच का एक छोटा सा रथ बनाया। इस रथ को देखकर लोग दंग रह गए। इतने छोटे रथ में असली रथ की कोई भी चीज छूटी नहीं थी, यहाँ तक कि इसमें एक छोटी सी लालटेन भी फिट थी। रथ को देखकर पिता जॉन प्रिंसेप को लगा जैसे कनिष्ठ प्रिंसेप की प्रतिभा यांत्रिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में निखरेगी। इसी दृष्टि से उन्होंने प्रिंसेप को दीक्षा दिलवाई। इसी बीच कलकत्ता और वाराणसी के सिक्के की ढलाई का कार्य प्रारंभ हुआ। कलकत्ता में इसके इंचार्ज H.N. Wills ने संस्कृत भाषा के विद्वान थे। वे एशिया सोसाइटी कलकत्ता के मंत्री भी थे। जेम्स प्रिंसेप हुगली नामक पानी के जहाज से इंग्लैंड से 26 मई 1819 को चलकर 25 सितंबर 1819 को चंद्रपाल घाट कलकत्ता पहुंचे। यहां वे कुछ महीने तक विल्सन के सहायक के रूप में सिक्का की ढलाई का काम करते रहे। इसके बाद विल्सन का स्थानांतरण कलकत्ता से काशी हो गया। यहां भी सिक्का ढलाई का काम था। श्री विल्सन ने प्रिंसेप को भी वाराणसी बुला लिया। सिक्के की ढलाई के लिए नदेसर वाराणसी में एक भवन बनवाया गया। भवन का निर्माण प्रिंसेप की देखरेख में हुआ। इसका नाम मिंटन हाउस नदेसर में यह भवन आज भी स्थित है। वाराणसी में प्रिंसेप का आगमन 26 नवंबर 1820 को हुआ। वे नाव द्वारा कलकत्ता से वाराणसी पहुंचे। ज्ञातव्य है कि उन दिनों रेलवे सेवा नहीं थी। मिंटा हाउस के निर्माण के बाद प्रिंसेप ने सिक्कों की ढलाई का काम पूरी तरह संभाल लिया। वाराणसी में पदार्पण करते ही जेम्स प्रिंसेप यहां के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में इस तरह घुलमिल गए जैसे वे वहीं की मिट्टी में पैदा हुए हों। वे गंगाजी के परम भक्त थे। गंगाजी को वे अपनी गंगा कहते थे। वे बनारसी लोगों के चहेते बन गए थे। लोग उन्हें बनारसी अंग्रेज कहा करते थे। यहाँ के लोगों के संपर्क में आकर वे अटक अटक कर भोजपुरी भी बोलने लगे। दिन में तो वे मिंट हाउस में काम करते थे, परंतु रात में काशी की गली गली की खाक छानते फिरते थे। उन्हें हर गली कूचे का नाम याद था। काशी में कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिदें हैं, कितने मकान हैं, उन्होंने सब गिनवा डाले। पूरी काशी की जनगणना करवा डाली। इसके पूर्व सन 1803 में काशी की जनगणना हुई थी, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थीं। उन कमियों को दूर करके प्रिंसेप ने काशी की जनगणना करवाई। जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार उस समय वाराणसी नगर में 1454 मंदिर, 272 मस्जिदें, 30,205 मकान थे। नगर की कुल जनसंख्या 181,482 थी। सिकरोल क्षेत्र नगर क्षेत्र के बाहर माना गया। इस क्षेत्र में मकानों की संख्या 2,880 और कुल जनसंख्या 18,740 थी। सिक्कों की ढलाई और काशी की जनगणना के अतिरिक्त प्रिंसेप ने वाराणसी में जो काम किए वे इस प्रकार है। एक नदेसर क्षेत्र में इन्होंने सेंट मेरी चर्च का निर्माण करवाया। दो नदेसरी काठी जेम्स प्रिंसेप की ही कृति है। तीन वाराणसी में ड्रेनेज सिस्टम की कल्पना प्रिंसेप की दिमाग की उपज थी। उन्होंने यहाँ कई गंदे पानी के नालों का निर्माण करवाया, जिसके चलते नगरवासियों को सड़क मार्गों पर बरसात के दिनों में कीचड़ से निजात मिला और सड़कों पर पानी लगना बंद हो गया। नगरवासी प्रिंसेप से खुश थे। वे उन्हें सहानुभूति स्वरूप नगर का एक बड़ा भूभाग उन्हें भेंट दिया। पर प्रिंसेप ने उनके जमीन पर एक नियोजित बाजार मंडी बनाकर बनारस के जनता को पुनः सौंप दी। पीने के पानी के लिए भी प्रिंसेप नगर में पाइप का जाल बिछवाना चाहते थे, पर तत्कापल काशी के जनता के धार्मिक विश्वास का समादर करते हुए उन्होंने इस दिशा में कार्य प्रारंभ नहीं किया। ज्ञातव्य है कि दशाब्दियों बाद जब काशी में यह कार्य प्रारंभ किया गया तो काशी वासियों ने इसका घोर विरोध किया। इस संबंध में रामहल्ला नामक आंदोलन के बारे में सभी पुराने नगरवासियों को ज्ञात है।
प्रारंभ में जब पीने की पाइपें बिछाई गई तो पूरे काशी में इसका बहिष्कार किया गया। लोग क्रमश नल के पानी से कपड़ा साफ करने लगे। कालांतर में इसका प्रयोग बर्तन धोने, नहाने, पीने और भोजन बनाने में होने लगा। चार प्रिंसेप ने औरंगजेब की मस्जिद की टूटी बुर्जों का पुनर्निर्माण कराया। पांच बनारस लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। इसमें काशी के विद्वान विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते थे। छह प्रिंसेप ने काशी से अंग्रेजी भाषा में दो पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया। इनमें स्वयं उनके भी लेख प्रकाशित होते थे। इन पत्रिकाओं के नाम थे जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी और ग्लीनिंग्स ऑफ साइंस। सात सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो प्रिंसेप ने किया वह है अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का वाचन। ब्राह्मी लिपि के वाचन में प्रिंसेप ने रात दिन एक कर दिया। वे शिलालेखों को एकत्र करते थे, उनमें उत्कीर्ण एक एक अक्षर का मिलान करते थे। कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्होंने यह निर्धारित किया कि कौन सा अक्षर किस वर्णध्वनि का द्योतक है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यदि प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि न वांछी होती तो अशोक को इतिहास में वह स्थान न मिलता जो उसे मिला। सन 1822 में प्रिंसेप ने काशी का एक मानचित्र बनाया जिसे देख आप दंग रह जाए, जो आज के बनारस के सैटेलाइट गूगल मैप से मेल खाती है। चित्रकला के क्षेत्र में भी प्रिंसेप को दक्षता प्राप्त थी। उन्होंने काशी पर एक सचित्र पुस्तक लिखी, बनारस इलस्ट्रेटेड। इस पुस्तक में प्रिंसेप द्वारा चित्रित 35 प्लेट्स हैं। अधिकांश गंगाजी के घाटों से संबंधित हैं। आविष्कार के क्षेत्र में भी प्रिंसेप किसी से पीछे नहीं थे। उन्होंने चार यंत्रों का आविष्कार किया, एवापोरेटोमीटर, फ्लूवियामीटर, पाइरोमीटर और ऐसे बैलेंस जिससे सरसों के एक दाने का हजारवां भाग भी तौला जा सकता था। प्रिंसेप की रुचि अभिनय और संगीत में भी थी। वे अच्छे गायक थे। कई नाटकों में उन्होंने अभिनय भी किया था। कर्मनाशा नदी पर पुल प्रिंसेप का ही बनवाया है। कर्मनाशा के अतिरिक्त उन्होंने कलकत्ता में गोल नहर का भी निर्माण कराया था। एक ही व्यक्ति पत्रकार, अभियंता, विज्ञानवेत्ता, रसायन शास्त्री, अभिनेता, गायक, आविष्कारक, चित्रकार, लेखक, पुरालिपि वाचक, पुरातत्ववेत्ता, एकेडेमिसियन, जनसंख्या विशारद, नगर योजना विशारद सभी कुछ था। इतना सब करने के लिए उम्र वाले ने प्रिंसेप को मात्र 40 वर्ष की आयु प्रदान की थी। उन्हें सब कुछ हड़बड़ी में ही करना था। काशी प्रवास की अवधि में प्रिंसेप अविवाहित रहे। यहाँ उनका प्रवास काल 1820 से 1830 तक रहा। कलकत्ता में वे लगभग 8 वर्षों तक रहे। वहीं उनका विवाह हैरियट सोफिया से हुआ। उनका दाम्पत्य जीवन मात्र 5 वर्षों का रहा, जिसमें अंतिम 2 वर्ष वे गंभीर रूप से बीमार ही रहे। अधिक श्रम के कारण 1838 में उन्हें असह्य शिरोवेदना प्रारंभ हुई। उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया और नवंबर 1838 में सपरिवार लंदन के लिए रवाना हुए। जनवरी 1839 के प्रथम सप्ताह में स्वदेश पहुंचे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। लंदन में प्रिंसेप को उनकी बड़ी बहन सोफिया के यहाँ ले जाया गया। बहुत प्रयास के बावजूद उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः 22 अप्रैल 1840 को जेम्स प्रिंसेप इस संसार से विदा हो गए। लगभग 3 महीने बाद जून 1840 में उनके निधन का समाचार भारत में आया। पूरी दुनिया ने प्रिंसेप के असामयिक निधन पर आंसू बहाया। बीमारी के अंतिम चरण में उनकी स्थिति बिल्कुल असह्य हो गई थी। अपनी देह, वाणी और क्रिया पर उनका नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो गया था। प्रिंसेप के जाने पर तो दुनिया मर्माहत थी ही, पर जब तक वे जिए उनके पैर खींचने वालों की भी कमी नहीं थी। जब प्रिंसेप मिंट हाउस में कार्यरत थे तो उनके विरोधियों ने उन पर गबन और ड्यूटी के प्रति लापरवाही जैसे गंभीर अभियोग लगाए। इन अभियोगों की सत्यता परखने के लिए एक जांच समिति बैठाई गई। अपने प्रतिवेदन में समिति ने प्रिंसेप को पूर्णतः निर्दोष बताया। धन्यवाद।